हेलो स्टूडेंट, दिस इज माय सेकंड वीडियो. ऑलरेडी इन द फर्स्ट वीडियो वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द फोर ईयर, है ना. सो इन द फोर ईयर इज द फ्रेंच साइंटिस्ट, है ना, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द फोर ईयर सीरीज. सो नाउ वी डिस्कस टूडे द डेफिनेशन ऑफ द फोर ईयर सीरीज, है ना. सो डेफिनेशन ऑफ द फोर ईयर सीरीज, ठीक है. अब मुझे बताओ, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ द फोर ईयर सीरीज में एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो कहाँ पे डिफाइन होता है? सी एंड सी प्लस टू पाई. सी एंड सी प्लस टू पाई इज व्हाट? दैट इज द इंटरवल. मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें बताना भी चाहे तो ये मान लो यहाँ पे एक होगा सी, सी इज द कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे सी प्लस टू पाई, है ना. तो यहाँ उस तरीके भी इस तरीके से इंटरवल हो सकता है, दैट इज द पीरियोडिक, ठीक है. तो एक कोई भी इंटरवल है ना, उसपे एफ ऑफ एक्स ये डिफाइन है. मतलब वहां पे एक्स इनपुट है, दैट इज द एक्स इनपुट, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है ना. तो सी एंड सी प्लस टू पाई, व्हाट इज द सी प्लस सी सी प्लस टू पाई? एक इंटरवल है, कहा एक्स एक्सिस के ऊपर, है ना. जो इनपुट है, व्हाट इज द इनपुट हियर? एक्स, है ना. उसके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन हुआ, दैट इज द एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स यहाँ पे आता है, ठीक है. तो सी और सी प्लस टू पाई इज द वन ऑफ द इंटरवल. दिस इंटरवल इज द, है ना, इन द एक्स एक्सिस, ठीक है. अब फूरियर सीरीज ऑफ द एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल, कौन सा इंटरवल? एक्स कहां से कहां तक है? सी से लेके सी प्लस टू पाई में. तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? ए नॉट डिवाइडेड बाय टू. मैंने बोला था कि फूरियर ने क्या किया, पीरियोडिक फंक्शन है उसको सम किया, किसमें? साइनोसाइडल फंक्शन में. सो दैट इज द सम ऑफ द, दैट इज द सम ऑफ द साइनोसाइडल फंक्शन, ठीक है. मतलब हमें एनालिसिस करना पड़ा, पीरियोडिक फंक्शन जो है उसको एनालिसिस करना पड़ा. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? ए नॉट डिवाइडेड बाय टू. एक्स कहां से कहां तक है? एक्स लाइज बिटवीन सी टू सी प्लस टू पाई. ये हमेशा याद रखना है. एफ ऑफ एक्स इज डिफाइनिंग व्हाट? एक्स लाइज बिटवीन सी टू सी प्लस टू पाई. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स? ए नॉट डिवाइडेड बाई टू. ए वन कॉस एक्स प्लस ए टू कॉस टू एक्स, उसके आगे में क्या आएगा? ए थ्री कॉस थ्री एक्स, ए फोर कॉस फाइव. तो मैंने यहाँ पे प्लस वन और यहाँ पे कंटिन्यू दिया और उसको क्लोज करके, ठीक है. नेक्स्ट वन इज व्हाट? बी वन साइन एक्स, बी टू साइन टू एक्स, बी थ्री साइन थ्री एक्स एंड अप टू द सो ऑन. अब मुझे बताओ, इसको ये पूरी टर्म को ए नॉट डिवाइडेड बाई टू एज इट इज, ये पूरी टर्म को हम एक ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं समेशन फॉर्म में लिखे. सो देखो ए वन ए टू ए थ्री, इसको हमने क्या लिखे? ए एन, ठीक है. कॉस एक्स प्लस कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स, उसको क्या लिखे हमने? कॉस एन एक्स. और एन कहां से चालू हुआ? एन गोइंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, क्योंकि ए नॉट इधर ही है. तो अगर ये समेशन को हम ओपन करते भी है, सो अगेन वी गेट दिस आंसर ए वन कॉस, सॉरी हियर कॉस, ओके, वन मिस्टेक इज हियर कॉस. यहाँ पे ओपन करो तो ए वन कॉस एक्स प्लस ए टू कॉस टू एक्स, ए थ्री कॉस थ्री एक्स, इन दिस वे वी राइट दिस. नाउ अगेन दिस इज द समेशन, अगेन दिस वन इज द समेशन सीरीज. सो वी है ना समेशन सीरीज, तो कन्वर्ट इनटू द समेशन फॉर्म. तो बी वन बी टू इसकी जगह क्या लिखा? बी एन साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स, इसकी जगह हमने एक नोटेशन यूज किया साइन एक्स. और एन कहां से चालू हो रहा है? एन गोइंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी. सो दिस इज योर फोर ईयर सीरीज, दिस वन इज योर फोर ईयर सीरीज. यू हैव टू रिमेम्बर एवरी टाइम, ये फॉर्मूला याद ही रखना है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फोर ईयर सीरीज? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई टू समेशन ऑफ एन गोइंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स, और बी एन ए एन ए के साथ कॉस जुड़ा हुआ है, ये हमेशा याद रखो. नहीं तो कंफ्यूज होता है कि ए के साथ साइन जोड़ देते हो, ठीक है. सो डोंट डू इन दिस वे. सो हियर ए एन कॉस एन एक्स एंड बी एन साइन एन एक्स, एन गोइंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, अगेन हियर एन गोइंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी. नाउ व्हाट इज द ए नॉट ए एन बी एन? सो दिस इज द फोर ईयर सीरीज टॉपिक. सो ए नॉट बी एन, है ना, ए नॉट ए एन एंड बी एन इज द वैल्यू, दैट वैल्यू इज द कॉन्स्टेंट. ये कॉन्स्टेंट है, इसको नाम दिया गया है, दैट इज नथिंग बट द फोर ईयर कोएफिशिएंट. आपको एक समय क्या करना है? सिर्फ फोर ईयर कोएफिशिएंट निकालना है, बस. फोर ईयर सीरीज में आपको कुछ भी नहीं करना है. यू हैव टू रिमेम्बर द फॉर्मूला ऑफ द फोर ईयर सीरीज. सो ऑलरेडी आई टोल्ड एक्स कहां से कहां तक है? एक्स यहाँ पे है, सी से लेके कहां तक जा रहा है? सी प्लस टू पाई, दैट इज द एक्स. एक स्लाइस बिटवीन व्हाट? मतलब उसकी एक्स की बाउंड्री यहां तक, यहां तक है, सी से लेके व्हाट सी प्लस टू पाई यहां तक है, ठीक है. और इसके ऊपर एफ ऑफ एक्स ऊपर है,
क्लियर। क्लियर है। ए नॉट ए एन बी एन आर द फूरियर कोएफिशिएंट, ए नॉट ए ठीक है, दैट आर द फूरियर कोएफिशिएंट। फूरियर कोएफिशिएंट अब ए नॉट हमें, मुझे तो फूरियर कोएफिशिएंट किससे निकालना है, यूलर फॉर्मूला से। फूरियर के लिए आपको यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, फूरियर के लिए आपको यूलर फॉर्मूला दिया है ठीक है। सो ए नॉट, ए नॉट इक्वल टू वन अपॉन पाई, वन अपॉन पाई ये हमेशा याद रखना, वन पाई यहाँ पे क्यों पाई है ना, तो यहाँ हमेशा क्या आएगा, वन अपॉन पाई आएगा ठीक है, वन अपॉन पाई ठीक है। सो आपको अभी निकालना क्या है, ए नॉट आपको निकालना क्या है, ओनली ए नॉट ए एन बी एन, ए नॉट ए एन बी एन फोरियर कोएफिशिएंट, ए नॉट ए एन बी एन आर द फोरियर कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे आएगा वन अपॉन पाई, वन अपॉन पाई कहा से कहा आपका, सी से लेके सी प्लस टू पाई, सी से लेके सी प्लस टू पाई ठीक है। सी से लेके सी प्लस मतलब हमें इंटीग्रेशन कहा से लेके जाना है, सी से लेके कहा खत्म करना है, सी प्लस टू पाई, दैट इज द लोअर लिमिट एंड दैट इज द अपर लिमिट। यहाँ पे भी देखो सी से लेके सी प्लस टू पाई मतलब ए नॉट ए एन और बी एन के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट बोथ आर सेम। यहाँ एक्स कहा से कहा था डेफिनेशन में, सी से लेके सी प्लस टू पाई। अब एग्जाम में क्या आएगा, सी की जगह एक वैल्यू आएगी ठीक है, एग्जाम में सी और सी के जगह कुछ वैल्यू आएगी, जीरो आएगा वन आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे ठीक है। सी इज अननोन पर एग्जाम में जरूरी नहीं है सी और सी प्लस टू पाई रहना, उसके जगह कुछ वैल्यू रहेगा ठीक है, तो उसका हम डिस्कस कर लेते। फोरियर फॉर कोएफिशिएंट, ए नॉट इक्वल टू वन पॉइंट पाई, सी से लेके सी प्लस टू पाई, यहाँ पे सिर्फ एफ ऑफ एक्स है। अब मुझे होता यहाँ ए एन है, फॉर्मूला भी लर्न बहुत इजी होता है, ए एन है, ए एन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कॉस एन एक्स। यहाँ पे देखो वन पॉइंट पाई एज इट इज, सी से लेके सी प्लस टू पाई एज इट इज, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कैसा क्या है, इंटू कॉस एन एक्स, इंटू वॉट कॉस एन एक्स, इंटू कॉस एन एक्स। और मुझे तो यहाँ क्या है, बी एन है, तो वन पॉइंट पाई सी से लेके सी प्लस टू पाई, एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी, साइन एन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। क्लियर है। हाँ अब देखो व्हाट इज द कंडीशन, व्हेन वी यूज द फोरियर सीरीज, व्हेन वी यूज द फोरियर सीरीज, व्हेन वी यूज द फोरियर सीरीज, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, है द फोरियर सीरीज एक्सपांशन। आपने अभी लिखा है यही चीज यहाँ पे लिखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट डिवाइड बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। सो आई राइट हियर ए नॉट ए एन बी एन आर द कॉन्स्टेंट, ए नॉट ए एन बी एन आर व्हाट कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है। अब मुझे होता व्हाट इज द कंडीशन, एफ ऑफ एक्स ने क्या किसकी रेस्पेक्ट रखना चाहिए, एफ ऑफ एक्स किस तरीके से होना चाहिए, ये यहाँ पे मेंशन है ठीक है, एफ ऑफ एक्स किस तरीके से होना चाहिए ये यहाँ पे मेंशन है। क्लियर। सो हियर एफ ऑफ एक्स मस्ट बी वेल डिफाइंड सिंगल वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की सिंगल वैल्यू होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज हैविंग अ सिंगल वैल्यू। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मान लो ये एक्स की वैल्यू है ना, दिस इज द एक्स, दिस इज द एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स की अलग सिंगल वैल्यू, एक ही वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी क्या, नहीं है ना, एफ ऑफ एक्स हैविंग द सिंगल वैल्यू। अब दो वैल्यू मतलब क्या है देखते हैं, दो अगर मान लो एक्स है देखो अगर ये एक्स है, इसकी दो वैल्यू आएगी